आ गया आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं ऑटो पैसा। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आपके पास कैपिटल बहुत कम है यानी बहुत से बहुत कम है, ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन बाइंग में बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट कमाना है यानी छोटे छोटे प्रॉफिट कमा के आपको बड़े ट्रेड करने हैं। पहले शुरुआती दौर में छोटे छोटे प्रॉफिट कमाने हैं। कैसे कमाने हैं दोस्तों? ऑप्शन बाइंग जो लोग करते हैं तो उनका कैपिटल बिल्कुल साफ हो जाता है। तो साफ ना हो उसके लिए आपको मैं बताऊंगा ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। ऑप्शन सेलिंग करने के लिए मात्र 25,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? कोई 1 लाख 1.5 लाख रुपये नहीं जरूरत पड़ेगी। सिर्फ 25,000 में एक लॉट बैंक निफ्टी के सेलिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो देखिए, आपको एक बास्केट क्रिएट करना होगा, मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप जीरोधा ओपन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ऑर्डर में, ठीक है? ऑर्डर में यहाँ जाने के बाद एक बास्केट दिखेगा, बास्केट पे क्लिक करना है। बास्केट पे क्लिक करने के बाद देखिए मैंने बहुत सारे बास्केट क्रिएट किया हुआ है। आपको क्रिएट नहीं करने आता है तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से न्यू बास्केट ओपन करना है। यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ बास्केट का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो आपको कॉल सेलिंग करना है, तो आप कॉल सेलिंग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं या सेलिंग लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं सेलिंग लिख देता हूँ, ठीक है? मैं सेलिंग लिख देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है? मेरा बास्केट क्रिएट हो गया। अब हमें देखना है कि मार्केट कहाँ जाएगा, कौन सा स्ट्राइक पर आज हम लेंगे और कहाँ पे हम सेलिंग करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट हो। तो हमें सबसे पहले चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है? एक बार हम चार्ट पे चलते हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी का हम चार्ट ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है? बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। देखिए आज मार्केट नीचे की तरफ गिरा है। आज के डेट में आप सेल किए होते हैं तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन चेन निकालना है, ठीक है? ऑप्शन चेन निकाल लेंगे ताकि पता चल जाएगा कौन से ऑप्शन सेलर है कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलर यहाँ बैठे हुए हैं, 43,000 के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है? तो हम यही चुन लेते हैं, 43,000 पे हम चुन लेते हैं, ठीक है? तो हम जाते हैं वहां पे बास्केट पे। कहाँ गया हमारा बास्केट? यहाँ पे ऑर्डर में जाएंगे, ऑर्डर में जाने के बाद फिर बास्केट में जाएंगे, उसके बाद हमने सेलिंग वाला क्रिएट किया था, इसको हम ओपन करेंगे यहाँ से, ठीक है? जैसे ओपन किए तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे 43,000, 43,000 के हम कॉल सेल करेंगे। हमने जैसे 43,000 डाला, हमें एक लॉट से सेलिंग करना है। एक लॉट में 15 क्वांटिटी आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? और ये बाई का सिग्नल दिया हुआ है, लेकिन बाई हमें नहीं करना है, हमें सेलिंग करना है। तो सेलिंग वाला हटा के हमें बाइंग कर देना है, यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे लिख रहा होगा सेलिंग बैंक निफ्टी, हम यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है? ऐड करते ही देखिए, यानी एक लॉट में हम ऐड करेंगे, सेलिंग करेंगे तो 80,000 की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास 80,000 है नहीं, हम चाहते हैं कि 20-25-30,000 में हम ऑप्शन सेलिंग कर ले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें दूर आउट ऑफ द मनी हमें कॉल को बाई करना पड़ेगा, ठीक है? दूर आउट ऑफ द मनी हम बाइंग कर लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए हमने 43,000 कॉल सेल किया है तो हम 44,000 के कॉल को हम बाइंग कर लेते हैं, 44,000 के कॉल को बाई करते हैं। 44,000 हम लिखते हैं, 44,000 का कॉल, यहाँ पे हम ओके करते हैं, ठीक है? हमें बाई करना है, एक क्वांटिटी में ही बाई करना है यानी एक लॉट में बाई करना है, ठीक है? हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। जैसे हम ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे पैसा जो 80,000 दिखाई दे रहा था ये 25,000 हो गया, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है दोस्तों। फाइनल होने के लिए देखिए यहाँ पे रिक्वायर इतना मांग रहा है, फाइनल इतना मांग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी हमें जो बाई वाला है ऊपर करना पड़ेगा और सेलिंग वाला नीचे करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ये रिक्वायर कम हो जाएगा, तो इसको हम ऊपर करते हैं, ठीक है? जैसे हम ऊपर करेंगे तो यहाँ पे कम हो गया, रिक्वायर्ड भी कम हो गया और फाइनल तो इतना है ही है, ठीक है? यानी 25,000-26,000 में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं एक लॉट से। अगर आपको ज्यादा लॉस हो रहा है तो लॉस को कम करने के लिए ऑप्शन सेलिंग करेंगे ताकि आपका जो बेनिफिट होगा थीटा डीके के कारण उसमें आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सेलिंग में मार्केट एक ही जगह घूमेगा या वहीं खड़ा रहेगा या ऊपर नीचे होके फिर वहीं क्लोज कर देगा, आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिल जाएगा। मान लीजिए मार्केट 1 घंटा 2 घंटा वहीं रुक गया तो आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट बहुत कम होगा लेकिन लॉस से बच जाएंगे। तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बाइंग करके आप बहुत लॉस किए हैं तो ऑप्शन सेलिंग में आ सकते हैं। 25-26 हज़ार आप अपने अकाउंट में रखिए, उसके बाद जीरोधा से बास्केट बना के जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया है उस तरह से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
अगर आपके पास इतना फंड होगा तो यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो।